यहाँ पे इसकी फीमेल दिखाता हूँ आपको, जो बन चुकी है लखा, मतलब लखे के साथ रह रहे रखा बन रही है ये भी। मादीन को मारा है लखे ने, ये देख तो यार यहाँ पे देख लीजिए। अबे यार इसे मादीन को चोटीदार बना दिया मैं। शिराजी, मुखी और सेंटीनेट इस टाइप के जो कबूतर होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आज है ना, हम ये वाली मुर्गी को जो हमारी कुड़ुक थी मुर्गी, उसे हम छोड़ने वाले हैं नीचे। और इसका कुड़ुक भी टूट चुका है, और इसे हम जब नीचे छोड़ देंगे ना, इसका परमानेंट कुड़ुक टूट जाएगा, मतलब बिल्कुल ही अब ये कुड़ुक नहीं रहेगी। इसको हम छोड़ेंगे बाकी मुर्गा मुर्गियों के साथ, क्योंकि इसके सारे बच्चे थे ना वो यार मर चुके हैं, आपको पता होगा। एक भी बच्चा बाकी नहीं बचा है, सारे बच्चे बीमारी की वजह से या कुछ ना कुछ मसले की वजह से मर चुके हैं। तो अब ये अकेली बच्ची है, तो यार इसे भी हमें ना बाकी मुर्गा मुर्गी के साथ आज नीचे छोड़ेंगे। तो इसके रिएक्शन चेक करेंगे क्या होते हैं, और हमें आज एक काम भी करना है कैची का, जो हम कल नहीं कर पाए थे। कैची के साथ जो काम करना है, आप सोच रहे हो कैची क्या करना है, तो वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चली जाएगा। तो वीडियो में बने रहे। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले नीचे छोड़ के आते हैं, चलिए जल्दी से नीचे छोड़ के आते हैं मुर्गी को। तो यार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुर्गी बंद है, इसे हम यहाँ से पकड़ लेते हैं आराम से। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे छुप रही है अंदर यार, यहाँ पे ये देखिए इसे आप सारे मुर्गा मुर्गी के साथ बंद करा करेंगे। यहाँ पे ये मैंने पकड़ लिए, और इसको ले चलते हैं नीचे। यहाँ से जल्दी से मैं नीचे ले चलता हूँ, और बाकी सारे मुर्गा मुर्गियों के साथ छोड़ता हूँ। तो जल्दी से ले चलते हैं नीचे हम, और देखते हैं क्या रिएक्शन देते हैं बाकी सारे मुर्गा मुर्गियों के इसके साथ। और यहाँ पे जल्दी चलते हैं नीचे। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे मुर्गा मुर्गी घूम रहे हैं हमारे, और यहाँ से अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ इसे। 1 2 3 यहाँ पे देख लीजिए, आइए छोड़ दिया मैंने। और ये देखिए इसके यार सारे मुर्गे, देखिए ये दोनों मुर्गे हैं हमारे, और ये अकेली मुर्गी, और ये बतख क्यों पीछे पड़ गई इसके। ये यार बतख क्या यार, मैं कुछ कह नहीं सकता यार, बतख आते ही हमारी मुर्गी को काटने लगी, फिर से तिछी मुर्गी हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे देख लीजिए, ये लगता है जल्दी से जल्दी हमारे पैर लग जाएगा किसी, इस मुर्गे के साथ हम पैर लगाना चाह रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर है माशाल्लाह इसका, आप देख सकते हैं यार। लेकिन अब इन मुर्गों की लड़ाई होगी शायद, जैसे पहले होती थी लड़ाई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यार लड़ाई ना। तो यहाँ पे देख लीजिए मुर्गी अब नीचे आके काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि एक लगभग 3 महीने बाद नीचे आ रही है। मुझे नहीं लग रहा 3 या फिर 2 महीने तो हो ही गए ऐसे पूरे। यहाँ पे देख लीजिए हमारे सारे मुर्गा मुर्गी के साथ ये नीचे घूमने लगी है, और अब ये काफ़ी खुश होगी यार। और हमारी एक मुर्गी अंडे देने बैठी हुई है अभी अंदर, तो वो भी शायद कुड़ुक हो जाए, लेकिन अभी कहीं की मुर्गी कुड़ुक नहीं हुई है, बस ये अकेली कुड़ुक हुई थी। और ये लगता है इस बार भी कुड़ुक हो जाएगी इसका थोड़ा। यार देखिए बाल से कितने अच्छे हो गए हैं उसके, देखिए कैसे हो रहे हैं बाल। और इसके बाल देख लीजिए आप, इसके बालों में इंप्रूवमेंट देखिए कितना हो चुका है 2 महीने के अंदर अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मुर्गी बनी है ये हमारी। और जल्दी चलते हैं ऊपर और कैची का काम करते हैं। ओ ये क्या करने लगा यार भाई, ये नोच तो रहा है यार बाल में, समझ में नहीं आ रही नोच क्यों रहा है इसे अभी। तो जल्दी से हमारे इसके साथ पैर लगाएंगे, लड़ाई मड़ाई करना छोड़ देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। जल्दी से हम कैची का काम ख़त्म कर लेते हैं, अब इन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। यार यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली मुर्गी हमारे साथ है ना, हमारे पीछे पीछे ऊपर आ गई है, मेरे से नीचे छोड़ा था। थोड़ी देर नीचे घूमी यार मैं इसके, वहीं देखता रहा ये कुछ हो तो नहीं रहा इसे, मतलब घूम रही है अच्छे से, मार रहा है मुर्गा मुर्गी या नहीं। तो यार नीचे घूमती रही अच्छे से, और थोड़ी देर नीचे घूमी और ये फिर हमारे साथ वापस ऊपर आ गई, और बाकी सारे मुर्गा मुर्गी भी इसके साथ वापस आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे बंद है, कुछ इसके अंदर बंद कर दिए, और कुछ इसके अंदर, मतलब कुछ यहाँ पे आ गए हमारे मुर्गी के साथ, पूरे ऊपर आ गए, पता नहीं क्या मसला है। तो इसे हम कल छोड़ेंगे, और अभी इसके साथ इसके अंदर बंद करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे सारे कबूतर बंद है, तो आज हम एक काम करने वाले हैं, और यहाँ पे हम कबूतरों को खोलेंगे यहाँ पे। तो लखे की पूछ काटे क्या, लखे की पूछ, तो यार आज लखे की पूछ काटने नहीं बोलना है, तो हम क्या करते हैं आज लखे की पूछ काटते हैं, लेकिन एक अलग डिजाइन में काटेंगे आज लखे की पूछ। मादीन को मारा है लखे ने, ये देख। तो यार यहाँ पे देख लीजिए, अबे यार इसे मादीन को चोटीदार बना दिया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रुक जाइए। पहले इन कबूतरों को खोल देता हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माशाल्लाह इनके अंडे भी ठीक ठाक हैं, और इन दोनों को रखता हूँ। अबे यार ये निकल गया, चलो कोई बात नहीं, इसको निकल जाने देता हूँ मैं। और यहाँ पे इन कबूतर खोलता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ये, क्योंकि अभी इसे नहीं खोलना है। यहाँ पे मुर्गी आ गई है यार, इसके बच्चे तो अब सारे मर चुके हैं, तो इसको यार अब बंद करा करेंगे हम बाकी सारे मुर्गा मुर्गियों के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आपको आज हमारा मतलब कबूतर, अरे यार पहले हम उसको पकड़ लेते हैं, नहीं तो यार मसला हो सकता है हमारे लिए। इस नर को पकड़ लेते हैं, दाना डाल के, दाना डालता हूँ जल्दी से यहाँ पे। सबसे पहले यार मैं दाना डाल दूंगा यहाँ पे, देख ली यहीं पे आ गई यार ये कबूतरी, ले खा ले नहीं खा रही, ये बहुत अच्छी है यार कबूतर हमारी, बस थोड़े बच्चों के वजह से काटने लगी है, नहीं तो पहले नहीं काटती थी। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए तो यहाँ पे हमने इसे, ओ भाई भाई नहीं 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 यहाँ पे इसे बंद करके आते हैं। तो जल्दी मैंने भाई को दे दिया, अब ये बंद करे आएगा इस मुर्गी को। और यहाँ पे अब क्या बचा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बच गया, इस बार तो पकड़ ही लूँगा। आ आया, आ आ, तो देख लीजिए ये कबूतर है। अरे 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 भाई साहब, चलो थोड़ी देर रुकते हैं, जब दाने खाने में मशरूफ़ होगा हम इसे एकदम पकड़ लेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे हम अच्छे से। आया आओ,
तो यहाँ पे देख लीजिए ये बैठा हुआ है वो पिजन, तो यहाँ पे पकड़ लिया है मैंने, बहुत तेज़ है यार ये कबूतर, इसे उड़ाएंगे ना जब और मज़ा आएगा। सारे भाई बोल रहे हैं यार पर खोल लो पर खोल लो, तो इसके हम पर भी खोल लेंगे यार जल्दी जल्दी, इसके अकेले नहीं सारे कबूतरों को खोलेंगे हम, इसलिए नहीं खोल रहे थे हम, बारिश हो रही थी और अभी भी कभी कभी हो जाती है, इसलिए हम सोच रहे थे यार सर्दियों में इनके पर खोलें और सारे कबूतर साथ में उड़ाएं यार। तो बस हम थोड़ा देर का इंतज़ार हो कर लीजिए आप, बस 2 से 3 दिन और, शायद अगर बारिश नहीं हुई तो हम इसके पर खोल देंगे, इतने दिन का इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो मैं सोच रहा था यार सेटअप बन जाता उसके बाद हम पर खोलते। तो आप सब हैं तो यार ये वो नहीं मुर्गी हमने डाली है ना, उसे मुर्गी मार रही है, देख लीजिए ब्लैक वाली मुर्गी उसे मार रही है पता नहीं क्यों, ये देख लीजिए, लगता है थोड़े दिन में इनकी दोस्ती हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए पहचान नहीं रही है, इसकी शादी रहती थी पहले और यहाँ पे ये मार नहीं टिकी है यार, तो लगता है थोड़ी देर में इससे दोस्ती हो जाएगी इसकी, तो इसे अभी हम बंद रहने देते हैं इसके साथ ही, क्योंकि यार इसे नहीं तो हम इसके साथ बंद करेंगे इसे अभी, इसे यहीं पे बंद रहने देते हैं थोड़ी देर, तो इसके साथ बंद करेंगे, इसके साथ हम जोड़ा लगाएंगे इसका। और यहाँ पे ये तो हो चुके हैं देखिए माशाल्लाह, बच्चों को देख लीजिए आप, ग्रोथ चेक कीजिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रोथ हो रही है इन बच्चों की आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं लकी पिजन को निकालता हूँ यहाँ पर, और पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये फीमेल, अरे फीमेल को बाद में दिखाऊँगा, पहले लखे के यार हम परों की जो हम डिज़ाइन बनानी है वो कर लेते हैं। इसको ईट को लगा दो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ईट लगा देते हैं यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यार ये बाहर ना आ जाए, और इसकी पूंछ को यार डिज़ाइन में कट करते हैं हम, देख लीजिए यहाँ से डिज़ाइन में कट करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे चलिए अब मैं डिज़ाइन में कट करते हैं हम यहाँ से, तो इसके हम देखो इस साइड से पकड़ लो, तो अब यहाँ से अब देखिए मैं इसकी पूंछ डिज़ाइन में काटने वाला हूँ यहाँ पे, देख लीजिए ये रही लखे की पूंछ, हमारा मेल पिजन है, और यहाँ से यार जैसे डिज़ाइन में होती है ना पूंछ वैसी काटेंगे लेकिन छूट ना जाए। अरे रे रे रे, बहुत तेज़ है यार हमारा लकी पिजन आपको पता होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे देखिए अच्छे से पकड़ लिया है, अब इसकी हम एक एक पर को है ना डिज़ाइन से काटने वाले हैं, तो यहाँ से एक, अरे रे नहीं 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 यहाँ पे देख लीजिए एक ऐसा, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी प्यारी डिज़ाइन बन रही है, यहाँ पे इस साइड से भी हम ऐसी काट लेते हैं एक ऐसा और एक, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हम गोल गोल काटना है इसे, तो यहाँ पे कुछ कुछ पर ही हम काटेंगे गोल गोल यार, तो यहाँ पे तो ये यार अरे 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 भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अरे 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 अरे, तो यार इसके आराम से हम पर काटते हैं जिससे यार इसे दर्द तो नहीं होगा पर काटने में, लेकिन यार ये झपट रहा है तो पता नहीं क्यों झपट रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ इसके फेदर यार निकाल देता हूँ, यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं यार, देख लीजिए अच्छे तो नहीं क्या मतलब बेकार हो रहा है यार, देख लीजिए इसके फेदर कितने गंदे हो रहे हैं यार, तो इसके फेदर निकाल देंगे ना नए फेदर आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ टूटे हुए फेदर भी हैं, तो यहाँ पे यार हम इसके फेदर निकाल देते हैं जिससे ये नए फेदर आ सके आ सकें, यहाँ पे कुछ कटे हुए भी हैं यहाँ पे देख लीजिए, जिससे यार ये नए फेदर नहीं आ पा रहे हैं इसके पैरों के, नहीं तो यार इसके बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फेदर होते थे आपको पता होगा, तो यहाँ से यार हम निकाल रहे हैं यहाँ पे पैर को पकड़ के निकालेंगे जिससे इसे दर्द ना हो, यहाँ पे देख ली काफ़ी ज़्यादा फेदर टूट जाते हैं इनके, यहाँ पे ये तो निकल गया है यहाँ पे ये भी निकल गया है देख लीजिए, अब इस पर के ओ भाई 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 यहाँ पे देख ली अरे नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे एक पैर के निकाल दिए हमने, दूसरे के भी यार हल्के हल्के निकाल देते हैं, जैसे ये वाला टूटा है तो यहाँ से इसको निकाल देता हूँ पकड़ के, तो यहाँ पे बाकी सारे ठीक हैं यार, ये देख ली कुछ कुछ तो नए आ रहे हैं, और यहाँ से देख ली ये वाला बेकार हो रहा है और ये हो रहा है कुछ बेकार, और यहाँ पे देख लीजिए अबे यार ये देखिए वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है यार आपस में, देख लीजिए ये बच्चे से मार रहा है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं यार दोनों, तो इसको मैं बाहर छोड़ देता हूँ एक को जिससे लड़े नहीं यार, और ये बाहर छोड़ दिया मैंने, ये पता नहीं क्यों लड़ते हैं यार आपस में ही लड़ते हैं यार दोनों कबूतर, अपने आपस में लड़ते हैं, भाई भाई हो रहे हैं या बहन बहन है मुझे नहीं पता, तो ये आपस में ही लड़ते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लड़ते हैं और आपस में। और यहाँ से अब इसकी पूंछ काटूंगा मैं जल्दी जल्दी डिज़ाइन से, तो यहाँ से मुझे इस तरह से काटना है, तो जल्दी जल्दी मैं काट लेता हूँ, ये देख लीजिए ये देखिए इस तरह की कुछ पूछ हमारी कटेगी लखे की, यहाँ से थोड़ी बेकार होगा ये एक कली तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, और यहाँ से देख लीजिए अरे नहीं 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 भागना नहीं अब, यहाँ से देख लीजिए इस तरह से हमें पर काटना है इसके,
तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हमें इसके पर काटना है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हम पूरे पर काट के आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से हम काटते हैं पूरे पर इसके, और फिर हम इसके परों के साथ एक चीज़ भी करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए यार पेटी है ना खुली छूट गई थी, तो हमारे सारे पिजन इसके अंदर दाना खाने लगे हैं, तो इसके अंदर हम नीचे दाना डाल देते हैं, नीचे दाना खा लेंगे यार, क्योंकि इसके अंदर बीट मीट कर सकते हैं जिससे कीड़े पैदा हो सकते हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसके अंदर नहीं खाने दे रहे हैं इसके। देख लीजिए इसे वापस देख रही है बार बार, तो चलिए इसके पर काटते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पूछ काट दी है, अभी तो आपको नज़र नहीं आएगी इतनी क्लियर। देख यहाँ से इस तरह ही काटी है मैंने, आपको नज़र आ रही होगी डिज़ाइनदार और कितनी मस्त लग रही है देखने में, अभी इतनी आपको नहीं लग रही होगी। जब हम इसके साथ एक और चीज़ करेंगे ना, जब आपको और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो हम कल ही कर देंगे यार, कल ही आपको ये समझ में जाए। तो इसकी यहाँ पे है ना हम एक चीज़ करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखने वाली है। तो अभी हम क्या करते हैं इसे छोड़ते हैं इसके वापस पिंजरे में, मतलब इसकी पेटी में, पिंजरे में तो नहीं, यहाँ पर छोड़ ही दिया है मैंने। और अब यहाँ पर इसकी फ़ीमेल दिखाता हूँ आपको, जो बन चुकी है लखा, मतलब लखे के साथ रह रहे लखा बन रही है ये भी। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इसके यार लगी नहीं है यहाँ पे, ये है ना इसके यार बीट लग गई सर पे थोड़ी, देख यहाँ पे बीट लगी हुई है हल्की सी। ये लखा अब इसे मारता नहीं है, नहीं तो मारता, ये बहुत पहले मारता यार। एक इसके लगी मगी नहीं है, ये बीट लगी हुई है, इसलिए देखिए इसके पर चोटी बन गई है इसके सर के ऊपर, सेंटीनेट टाइप की, और जो हमारे लखी के ऊपर है और लखे के ऊपर, दोनों के ऊपर है उसकी तरह चोटी बन गई है इसके ऊपर भी। लगता है ये भी लखा कबूतर बन जाएगी धीरे धीरे खुद के साथ रह रहे के, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसे ही मैं, अभी थोड़ी देर से खोलूँगा इनके बाद जब ये दाना खा लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखानी थी आपको मुझे, यहाँ पे आप बच्चे को देख लीजिए यार, लड़ रहा था ये भी कूदे आया उसके पीछे पीछे, और यहाँ पे यार काफ़ी यूनिक कलर निकल रहा है यार मेरे हिसाब से। यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा निकल रहा है ये वाला बच्चा भी, और वो बच्चा देख कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब तो काफ़ी यार बड़े बड़े से लगने लगे हैं ये बच्चे, पहले तो यार काफ़ी ज़रा से लगते थे यार बिल्कुल ही छोटे छोटे से। अब इन्हें खोल देता हूँ यार बेचारों को, मैंने बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि मैंने जब उन वाले पिजन को खोला था ना यार लक्की को, तो वो देख लेते उसे, तो यहाँ पे देख लीजिए इन्हें खोल दिया है मैंने, और इनका जोड़ा यार माशाल्लाह जल्दी लग जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, अच्छा जल्दी बच्चे देखने मिल जाएंगे यार कैसे निकलेंगे यार। हमने एक्सपेरिमेंट करा इतने दिनों का लेकिन जोड़ा लग ही नहीं रहा है, और यहाँ पर अब मारना बंद किया या नहीं किया, तो मार तो रही है, इसके साथ जोड़ा डालेंगे इसका हम आए असील के साथ, तो यार देखेंगे कब तक जोड़ा लग जाएगा इसका असील के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार जल्दी लग जाए जोड़ा। और अरे 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 भाई 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 ये पिजन है ना ये वाला यार मार रहा है बच्चे को, हले हट उधर। तो इस वाले वाइट वाले बच्चे को मार रहा है यार, अच्छा खासा दाना खा रहा था वो बच्चा, यहाँ पे देख ली दाना खाना शुरू हो चुके हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, अब पिजन है ना अंडे देंगे, तो हम इसके साथ एक चीज़ करने वाले हैं अंडों के साथ, एक्सपेरिमेंट होगा वो भी यार हमारे कबूतर के अंडों के साथ, तो वो भी यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे, बहुत से भाई नहीं दो तीन भाई हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे यार कि यार आप है ना नए कबूतर नहीं ला रहे, वही पुराने कबूतर दिखाते रहते हैं हमें, पुराने कबूतर दिखाते रहते हैं, नए कबूतर लाइए और आपके पास इतने पैसे हैं ये हैं वो हैं, तो यार नए कबूतर लाइए। तो यार नए कबूतर तो मैं ले आऊँगा लेकिन रखूँगा कहाँ, उन्हें ये दिक्कत हो रही है अभी रखने की, यहाँ पे जगह नहीं है और जगह बढ़ा भी नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे करना है इन्हें ऊपर शिफ्ट इनका बनवाऊँगा घर में, घर बनवाने की यार बहुत सफाई के साथ घर बनाने की वीडियो डालो, उसकी भी वीडियो आएगी कबूतर घर कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको डाल दूँगा। ऊपर बनवाऊँगा कम से कम 500 कबूतर रखने की घर, मतलब एक तबड़ा घर बनाऊँगा 500 कबूतर बन जाएँ, उसमें हम नहीं रहे कबूतर ला के छोड़ेंगे, फैंसी फैंसी शिराजी मुखी और सेंटीनेट इस टाइप के जो कबूतर होते हैं, फ्रिल बैग भी लाएंगे हम इंशाल्लाह, हो सकेगा तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यार वो बहुत महंगा पेयर आता है आपको पता होगा, कम से कम 14-15 हज़ार का पेयर आता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे, अगर इतने आप सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर से लेके आएंगे। तो इस तरह से यार सपोर्ट करते रहिए, और इसको जाना है अपने घर में, तो अब मैं इसे कर देता हूँ अपने घर में, यहाँ पर देख लीजिए ये गया घर में, और यहाँ पे ये दाना खा रहा है, इसे छेड़े नहीं करता हूँ मैं। और यहाँ पे यार हमें कल मछली लेने के लिए एक भाई ने बोला था यार, वो कह रहे थे मेरे पास मछली है मुझसे ले जाना, तो वो छोटी छोटी मछली हैं वो भी हम शायद लेके आए कल, तो देखते हैं आते हैं या नहीं, इसके अंदर ही डाल देंगे यार वो मछली भी। और एक जगह हमने मछली डाल दी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है गड्ढे के अंदर, मतलब एक एक हाथ के बराबर हो गई हैं, मतलब एक एक फिट की मछली हो गई शायद वो, इतनी बड़ी बड़ी मछली हो गई हैं आप सोच सकते हैं। तो हमने उसके अंदर डाली थी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई उन मछलियों की, तो हम कहीं दिन पकड़ के आपको दिखाएंगे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।